भाई आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी के ऐसे ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा जो आपको ख्वाबों ख्यालों में भी डराते होंगे। आप तो उठ के बैठ जाते होंगे, ओ इंग्लिश कैसे बनेगी, मम्मी मम्मी जाओ इंग्लिश कैसे बनेगी, मुझे बताओ, ऐसे करते होंगे। नहीं करते, मैं अकेला ही हूं क्या ये सब करता हूं। चलो तो भाई साहब, ये वाक्य होते हैं ना, लेकर आना, देकर आना, लेकर जाना, देकर जाना, पूछ कर आना, सो कर आना, ओ भाई साहब ये समझ में नहीं आते कैसे बनेंगे। बट डोंट वरी, ये देखो कौन धर रहा है यहां मोटा, अरे सही हूं मैं। देखो आज मैं आपको इन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सिखाऊंगा, तो अगर आप रेडी हो तो फिर चलो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। इंग्लिश सीखने के लिए मेरी वीडियो देखने के अलावा जरूरी है कि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। कैसे? डाउनलोड कीजिए कैम्बली एप्लीकेशन, जो कि एक कमाल का एप्लीकेशन है, जिसके जरिए आप दुनिया भर में मौजूद अलग अलग टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और ये सभी टीचर्स अलग अलग कंट्रीज से हैं, जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी प्रोनंसिएशन, एक्सेंट वगैरह वगैरह सब ठीक करवा देंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि कैम्बली पर 24 घंटे सातों दिन टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जब भी आपको टाइम मिले, चाहे आधी रात को टाइम मिलता है, बस कैम्बली खोलिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। Hello, Sartaj. Yeah, this is Sartaj. Hi, how are you? Very well, sir. Very well. Where are you calling from? I'm calling from India, New Delhi. अब कैम्बली पर अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि इंग्लिश आईलेट के लिए सीखनी है, बिजनेस के लिए सीखनी है, रॉब झाड़ने के लिए सीखनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखनी है, और उसी हिसाब से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। वैसे तो कैम्बली एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जरूरत होती है प्लान्स की, लेकिन अगर आप इसका एक ट्रायल लेना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं मेरा प्रोमो कोड 99 ट्रायल, जिसके जरिए आपको 15 मिनट्स का ट्रायल मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए कैम्बली एप्लीकेशन और यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड और इस्तेमाल करके देखिए इंग्लिश सीखने के लिए कैम्बली। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हिंदी के ऐसे ऐसे खतरनाक, समझ गए होंगे, बहुत ही निहायत ही खतरनाक वाक्यों की इंग्लिश बनाना। बिना देर के शुरुआत कर देते हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचूंगा, एक एक करके बताता हूं। वीडियो पूरी देखना भैया एंड तक, ओए उंगली हटा भैया अपनी स्क्रीन से, पूरी देख भाई। चलो शुरू करते हैं। पहला है लेकर आना, लेकर आना। अब ये लेकर आने की इंग्लिश क्या होगी समझ में नहीं आती है। पिज्जा लेता आइयो भैया, भाई साहब वो भिंडी लेकर आएगा, हाँ जी हरा धनिया लेते आना, ऐसे तो ये क्या क्या इंग्लिश होगी। तो लेकर आना इसकी इंग्लिश होती है फैच, फैच। जैसे कि मैं पिज्जा लेता हूंगा, टेंशन मतलब मैं पिज्जा लेता हूंगा, आप क्यों टेंशन ले रही हो बाबू, क्यों ले रही हो, जली हुई रोटी से तो पिज्जा ही अच्छा है, मैं पिज्जा लेता हूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फैच पिज्जा, आई विल फैच पिज्जा, मैं एक पिज्जा लेता आऊंगा। इसी तरीके से आप खूब सारे बोलिए, हाँ बर्गर लेते आना, फैच बर्गर, वो टीवी लेते आना, वो हरा धनिया लेते आना, मैं हरा धनिया लेता आऊंगा, वह खाना नहीं लेता आया, लेते आना फैच, आओ अब नेक्स्ट वाला लेके आए। और भैया नेक्स्ट वाला है देकर आना, देकर आना। अब देकर आना भी होता है एक, अब देखो देकर आने को क्या कहेंगे, भाई ये देकर आ जाओ, उसका सामान रखा हुआ है, अरे जरा सा हरा धनिया देकर आ जाओ, तुम्हारी आंटी ने मंगाया था हरा धनिया, दिया वरना मुझे पकड़ लेगी। तो इस तरीके से देकर आना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे हैंड ओवर, ओए हैंग ओवर नहीं, सीधा हैंड ओवर, हैंड ओवर बोलते हैं। जैसे मैं मोबाइल देकर आऊंगा, उस 5 मिनट लगेंगे यार, देखियो तू यही हो, मैं मोबाइल देकर आऊंगा या आ रहा हूं, नहीं आऊंगा ही सही, फ्यूचर में आते हैं, मैं मोबाइल देकर आऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, तो मैं मोबाइल देकर आऊंगा, मैं टीवी देकर आ रहा हूं, मैं पैसे देकर आया, तो हैंड ओवर, हैंड हैंडेड हो जाएगा अगर सेकंड फॉर्म देकर आया, आई हैंडेड ओवर मनी, मैं पैसे देकर आया। इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म लगा लेना, कुल मिला के देकर आना हैंड ओवर, हैंड ओवर मेरी इंग्लिश का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पूछकर आना, पूछकर आना। ये वाला भी शब्द ऐसा है, वाक्य ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आता इंग्लिश क्या होगी। मैं मैडम से फीस के बारे में पूछकर नहीं आया, भाई पूछकर आना वहां से कि वो कितने का है, अरे जरा वहां जा रहे हो क्या, उससे पूछकर आना, पूछकर आना ये क्या हुआ पूछकर आना। देखो मैं बताता हूं इसकी इंग्लिश होगी आस्क अराउंड, आस्क अराउंड। जैसे मैं मैडम से पूछ के आऊंगा, फीस कितनी ले रही हो मैडम, आप मैं फीस बहुत खा रही हूं आप, मैं मैडम से पूछकर आऊंगा, इसी को बनाते हैं आई विल आस्क अराउंड मैम, आई विल आस्क अराउंड मैम, मैडम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वह पूछकर आ रहा है, ही इज आस्किंग अराउंड, वह पूछकर आएगा, ही विल आस्क अराउंड, वह पूछकर आया, ही आस्क्ड सेकेंड फॉर्म asked around। तो इस तरीके से आप अलग अलग वाक्य बनाइए, मौज मारिए। मैं तो कह रहा हूं वोकैबुलरी इतनी जहर बताता हूं ना, यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा, कौन
कोई नहीं, मैं भी बताता हूँ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सो जाना। सो जाना, आप देखो सोने को तो गोल्ड बोल, सोने को तो स्लीप बोलते हैं, लेकिन सो जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो स्लीप। मेरी तरह मत सोचा करो। आज सो जाना ये भी एक शब्द है, वह सो गया, वह सो जाएगा, वह सो गया था, गया जाएगा, एक ही बात है। तो ये सो के साथ जाना या गया लग जाए तो क्या होगा? तो इसकी इंग्लिश होगी फॉल अस्लिप। फॉल अस्लिप, भाई मैं यहीं सो जाऊंगा, हाँ मेरे दिमाग खराब मत करना, मुझे नींद आ रही होते, मैं यहीं सो जाऊंगा। ये देखो अब ये मैं एक तो होता मैं यहीं सोऊंगा, आई विल स्लीप हियर, सड़ावा मुंह, तब तो सही था, लेकिन मैं यहीं सो जाऊंगा ये अलग चीज है। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे आई विल फॉल अस्लिप हियर, अंग्रेज की तरह बोलना, तो सॉरी अपने स्टाइल बोलता आई विल फॉल अस्लिप हियर, मैं यहीं पे सो जाऊंगा, आई विल फॉल अस्लिप हियर, यानी कि मैं यहीं पर ही लौट जाऊंगा, लौट मार लूंगा। समझ गए? आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है मान जाना। मान जाना, ओए हाय हाय, मान जाना भी बड़ा अच्छा है। वो नहीं मानेगा, वो मान गया, वो मान जाएगा, तुम मान जाओ, मान ही जाओ, क्यों नहीं माननी हो, मान जाओ। तो मान जाना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मंजन नहीं, ओए राहुल मिटाओ से, मंजन नहीं, मांझा लिख लिया, क्या बोलूं तुम लोगों को, मान जाना, कोई चीज मान जाना, मान लेना। मान जाना को इंग्लिश में कहेंगे एग्रीड। एग्रीड वैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म है, अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर में बना रहे हैं तो एग्री लिख सकते हैं खाली, एग्रीड। जैसे मुझे कह रहे हो मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, आप कहेंगे कांग्रेचुलेशन सर, मम्मी मान गई, शादी हो जाएगी अब तो आपकी रानी से। अरे मम्मी मान गई वीडियो गेम के लिए, गेम की उम्र है मेरी, हाँ मम्मी मान गई, माय मदर एग्रीड, माय मदर एग्रीड, बस ऐसे हो गया, एग्रीमेंट कर लिया मम्मी ने, सही है। इस तरीके से मान जाना एग्रीड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। या नेक्स्ट वाला है बुलाकर लाना। बुलाकर लाना ये भी लोगों को समझ में नहीं आता, बुलाने को तो कॉल कहते हैं कि बुला ले उसे जल्दी से, कॉल कॉल हिम, कॉल हिम, बुलाकर लाने को क्या कहेंगे? मैं उसे बुलाकर लाया, तुम उसे बुलाकर नहीं ला रहे हो, हम उसे बुलाकर लाएंगे, पुलिस बुलाकर लाएगी उसे, पुलिस तो घसीट के लाएगी, बुलाकर क्यों लाएगी? तो बुलाकर लाना इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉल इन, कॉल इन, बस इतना कहेंगे। अब जैसे मुझे कहना ओ भाई भाई देखिए उसे क्या हो गया, जा जल्दी से, क्या क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो, क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो, देखिए इसका मतलब ये होता है, एक तो बुलाना होता है कि बुला लो, तो बुलाना कॉल वॉल करके बुला लेंगे, बुलाकर लाना यानी जाओ और साथ लेकर आओ, उसे बुलाकर लाना कहते हैं। तो क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ। कॉल इन फ्रेज के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, एक तो कॉल इन सफाई करने वाला, वो नहीं, कॉल इन मिलने जाना भी होता है, मिलकर आना भी होता है, बुलाकर लाना भी होता है। सो कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो, कैन यू कॉल इन रवि, क्या तुम रवि को कॉल इन से साफ कर सकते हो, क्या तुम रवि को बुलाकर ला सकते हो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लेकर जाना। अभी देखो बुलाकर ला रहे थे, काम नहीं बना तो लेकर जा रहे इसे, ओहो सत्या हो, सत्या फिल्म, हाँ। तो लेकर जाना, अब मैं तुम्हें मॉल लेकर जाऊंगा, वह मुझे मॉल लेकर गया है, हम तुम्हें पार्क लेकर जा रहे हैं, क्या तुम मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हो। लेकर जाना ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सुनो, लेकर जाने की इंग्लिश होगी टेक। टेक, टेक लगा लूं थोड़ी सी फिर बताऊंगा, टेक। अब आप सोच रहे होगे हैं कैरी माने होता है ना ले जाना, ओ भैया कैरी मतलब गोद में, जेब में, थैले वेले में ले जाना होता है। अब तुम बच्चे को ले आओगे तो क्या थैले में डाल के ले जाओगे, या किसी बड़े को? तो टेक लगाएंगे, किसी को कहीं लेकर जाना टेक लगाएंगे, और जा अपने पैरों पर ही रहा है। जैसे ओ मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, टेंशन मत लो, पार्क में अपने जानने वाले हैं, पापा पार्क में हमारे भी जानने वाले, मैं तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा, आई टेक यू टू द पार्क, आई विल टेक यू टू द पार्क, तुम मुझे मॉल नहीं ले जा रहे, यू आर नॉट टेकिंग मी टू द मॉल, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा बेबी, आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, इलाज कराने तुम्हारे दिमाग का। तो टेक मतलब ले जाना, अब किसी को कहीं भी ले जाना हो टेक लगा देना, ठीक है, टेक लगाने में पढ़ाने में अलग ही मजा है, टेक लगा देना। ओ, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है होते हुए जाना। होते हुए जाना, इसके लिए भी लोग पागल हुए फिरते हैं, उन्हें मिलती नहीं है इसकी इंग्लिश। होते हुए जाना, बेटा हम तुम्हारी नानी के घर होते हुए जाएंगे, जा तो दादी घर रहे, नानी घर होते हुए जाएंगे, बेटा हम पार्क होते हुए जाएंगे, एक काम करेंगे हम लोग मुंबई होते हुए जाएंगे ना, हम जा तो गोवा ही रहे तो मुंबई रुक जाएंगे थोड़ी देर, हम मुंबई होते हुए जाएंगे। होते हुए जाना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर, वेयर। वैसे इसकी कुछ कंट्रीज में प्रोनंसिएशन वाया भी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जरा
करीब बन के, तो वी आर बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, तो वापस वापस फॉर्म में आ गए, तो वी आर, जैसे यह रेल मुंबई होते हुए जाएगी, यह रेल मुंबई होते हुए जाएगी, द ट्रेन विल गो वी आर मुंबई, द ट्रेन विल गो, ये जो ट्रेन है जाएगी वी आर मुंबई, मुंबई होते हुए मुंबई के रास्ते, तो इस तरह से। अब तुम नेक्स्ट टाइम भैया हम नानी के यहाँ से होते हुए जाएंगे, हम नानू के गली से होते हुए जाएंगे, हम चचा फुप्पो के घर से होते जाएंगे, तो आप लगा देना वी आर। क्या छोटा सा शब्द, कितने मायने घुसे हुए इसमें। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है बोलते जाना यानी लगातार बस बक 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 पाक 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 बोलते जाना, उसको क्या बोलेंगे। अरे बोलता ही जा रहा, चुप ही नहीं हो रहा। अरे तो बोलती जा रही थी, हमें बोलने ही नहीं दिया उसने, भाई तो बोलता ही क्यों जा रहा, सुन तो ले। तो बोलते जाना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कैप्ट स्पीकिंग, कैप्ट स्पीकिंग। जैसे मुझे कहना, अरे वो बोलती जा रही थी, ओए होए भैया मैंने कानों में लीड ठोस ली, मैं तो नहीं सुनना था, वह बोलती जा रही थी, तो इंग्लिश होगी शी कैप्ट स्पीकिंग, शी कैप्ट स्पीकिंग, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के वाक्य बड़ी ही आसानी से भी बना सकते हैं, बना ली हट, तो इस तरीके से कैप्ट स्पीकिंग के साथ। ये भी देखो, लोगों को पता नहीं था, किसी से पूछा, अरे बता बोलते जाना, स्पीकिंग अबे उसका मतलब बोलना होता है, तो बोलते जाना की इंग्लिश बता, अब आपको चल गई पता। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पड़े रहना, खटिया तोड़ना, फालतू पड़े रहना, इसको क्या बोलेंगे। अरे वो पढ़ा ही रहता हर वक्त, आजकल वो पड़ा हुआ है घर में, पड़ा हुआ है वह, पढ़ा ही रहता था वो, तो पड़े रहने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रिमेन आइडल, इंडियन आइडल नहीं बेटा, ओह अजय तू बैठ जा नीचे, इसको पकड़ ले, रिमेन आइडल, इसका मतलब होता है पड़े रहना। जैसे यार मैं ना पड़ा रहता हूँ सारा दिन, मुझे बस मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, वीडियो बनाई अभी लोट मार लूंगा बस पिज्जा खा के, तो मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई रिमेन आइडल होल डे, मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ। आइडल का मतलब होता है खाली, बेकार, व्यर्थ, मेरी भाषा में बोले तो नल्ला, फालतू, वेल्ला भी सही है, तो इस तरीके से। तो पढ़े रहना रिमेन आइडल आप यूज कर सकते हैं। चलो गाइज, होमवर्क टाइम आ गया, पीछे देख ले बेटा, विभाग में अभी रुक जा, फीस की बात भी करेंगे। तो गाइज, आज के इस क्लास में हमने सीख लिया ऐसे ऐसे शब्दों की इंग्लिश जो अक्सर हमें तंग करते हैं और समझ में नहीं आते कि इनकी शुरुआत कहां से की जाए, बट अब आप नहीं डरोगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कहोगी मैं कहूं या जब ही लगाओगी, ओ लगा दिए, चलो शुक्रिया। इन वाक्यों को देखिए, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है जो मैंने आज आपको सिखाया है, उन्हीं को यूज करते हुए इनके इंग्लिश बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा। और हाँ, एक दूसरे के होमवर्क को नजर मारो ऐसे चील की नजर, और जहां गलत दिखे उन्हें समझाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, सही है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और जिनका गलत है उनको समझ में भी आ जाएगा, हम गलत बना रहे थे, हमें भैया ने बताया, सही है। चलिए गाइस, आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सरताज सर की क्लास या सरताज क्लासेस जिस नाम से भी आप मुझे जानते हैं यूट्यूब पे, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करना है, नीचे मेरे नाम पे क्लिक करो, फॉलो या लाइक का बटन होगा दबा देना, और वीडियो को शेयर मार देना, जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर लिंक कॉपी करके फॉरवर्ड कर देना, और जाते जाते एक तुच्छा सा लाइक देकर जाना।